हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ चैप्टर, वही कंटिन्यू रखेंगे चैप्टर फोर एनसीईआरटी। बच्चों पहले हमारा खत्म हो चुका है एनसीईआरटी, वी हैव कंप्लीटेड द एनसीईआरटी ऑफ चैप्टर नंबर फोर फ्रॉम एनसीईआरटी। नाउ वी आर गोइंग द चैप्टर नंबर फोर विद सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन according to examination, clear? So listen properly. X plus y equals to 10. ये हमें एक equation given है, we have equation x plus y equals to 10 on a graph, point where the line of equation meet the x-axis. मतलब graph बनाने के बाद वो point बताना है कि x-axis के ऊपर ये line कहाँ meet करेगी और यही पॉइंट बताना है कि वाई एक्सिस के ऊपर कैसे मीट करेगी। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस। केस वन, सपोज एक्स वैल्यू इज, सो वी कैन टेक द इजी वैल्यू ऑफ द, सो दैट इट कैन इजीली मेक ऑन द ग्राफ, सो दैट इट कैन इजीली ड्रॉ ऑन द ग्राफ। ओके, लेट टेक एक्स वैल्यू इज 4, then 4 plus y equals to 10, y value is equal to 10 minus 4, that is 6, so point is 4, 6. Now case 2, in case 2 suppose x value is 5, so 5 plus y equals to 10, y equals to 10 minus 5, that is y equals to 5, so the point is 5, 5. Now the case 3, x value equals to 6, now 6 plus y equals to 10, so y equals to 4, so the point is 6, 4. Now 3 points are there, make a tabular form of that, just a graph ki outer boundary maine pehle draw kar li sirf x axis aur y axis, okay, points draw karenge sirf x axis aur y axis draw kiye iske upar maine, kyunki isse draw karne mein time bahut lagta hai, उतने में फिर एक वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो पाता है। ओके, नाउ पॉइंट्स एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स इज 4, 6, 4, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 4, 6, 4, clear? Now we will draw these points on a graph. So what are the points? First of all, 4, 6, 4 on the x-axis, 4, 6, this is the first point, 5, 5, 5, that's the second point, 6, 4, 6, 4, that's the third point. Now join these points in a line and join these points in a line. Question kya hai bachcho कि x एक्सिस के ऊपर कहां मीट करती है, सेकंड पार्ट में पूछा y एक्सिस पे, तो हम क्या करेंगे, देखो इस लाइन को x एक्सिस की तरफ एक्सटेंड कर देंगे और इस पॉइंट को y एक्सिस की तरफ दोनों तरफ एक्सटेंड कर देंगे। दोनों तरफ से मैंने लाइन क्या कर दी, एक्सटेंड कर दी, कितनी एक्सटेंड की, ताकि मुझे y एक्सिस के ऊपर भी पॉइंट मिल जाए और x एक्सिस के ऊपर भी पॉइंट मिल जाए, क्योंकि उसने ये पूछा था कि ये लाइन जो ड्रॉ होगी इस इक्वेशन से जो लाइन ड्रॉ होगी, ओके, इस इक्वेशन से जो लाइन ड्रॉ होगी वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहां मीट करेगी, तो किस पॉइंट पे मीट करी है? देखो, अगर ये पॉइंट देखा जाए तो एक्स एक्सिस पे 10 है, तो ये पॉइंट बन गया 10, 0, वाई एक्सिस पे कौन सी वैल्यू है 10, ये पॉइंट बन गया 0, 10, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0। इन पॉइंट को भी लिख देते हैं 4, 6, 5, 6, 4। और लाइन ऑफ इक्वेशन क्या है, लाइन ऑफ इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो इस तरह से हमारी ये इक्वेशन बन गई। फ्रेंड, लाइन ध्यान से लगाना, डबल लाइन मत करना,
this is a graph. Clear? Now comes to a next question. Write the answer also. What is A part? X axis पे कहां पे मीट करेगा? On X axis. On X axis line meets at point 10, 0 B. On Y axis line meets at point 0, 10. So these are the answers. Okay, this is the first part, first question. Now second question. If x is equal to 2y on the graph where the line of equation meets on axis. Student, एक चीज याद रखना, अगर मैं एक्सिस लिख रहा हूं ए एक्स ई एक्स, इसका मतलब ये प्लूरल में है. प्लूरल का मतलब दोनों एक्सिस की बात कर रहे हैं. तो दोनों एक्सिस पे बताने कहां पे मीट करेगा ये. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं. ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू 2y, केस 1, एक्स वाई इक्वल्स टू 1. सो एक्स इज इक्वल टू 2 इज टू 1, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 2. सो द पॉइंट इज 2, 1, केस 1. केस 2, वाई इक्वल्स टू 2. सो एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2, एक्स वैल्यू इक्वल्स टू 4. सो पॉइंट इज 4, 2. केस 3, वाई इक्वल्स टू 3. सो एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 3, एक्स इज इक्वल टू 6. सो पॉइंट इज 6, 3. Clear? So this is a graph. Plot a tabular form here. Case 1, case 2, case 3. X, Y, X, Y. First point is 2, 1, 2, 1. 4, 2, 4, 2. 6, 3, 6, 3. Clear? Now we'll draw a graph of this equation. First point is 2, 1. First point. Second. 4, 2. Next point. 6, 3. Now I'm drawing these points in a line. So this is a line. Of these three equations, points are 2, 1, 4, 2, 6, 3, and the equation of line is x is equal to 2y, x is equal to 2y. Now, question is on the graph where the line of equation meet on the axis. Axis के ऊपर कहाँ मीट करते? देखो, axis के ऊपर मीट नहीं करते. ये कहाँ से पास करे? Origin. तो origin कहाँ था? वो axis पे ही मीट करता है. तो आंसर क्या लिखेंगे? So the line of equations meet on the axis at origin. So line of equation meet at axis on origin. Origin axis के ऊपर, origin point axis के ऊपर ही होता है बच्चों. एक तो ये चीज ध्यान रख लो, जो origin होता है वहीं पे होता है जहां axis meet करती है. तो obvious axis के ऊपर ही हुआ. ठीक है, तो क्या लिखेंगे? So equation x is equal to 2y meets at origin. Meets at origin, या फिर ये लिख सकते हो origin 0, 0, या फिर ऐसे भी ले सकते हो equation और
इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू टू वाई, ये अप्रोप्रिएट लाइन होगी जो लिख रहा हूं, इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू टू वाई पासिस थ्रू ओरिजन वेयर टू एक्सेस मीट, ओरिजन का पॉइंट लिख दो 0, ये चीज ज्यादा अच्छी होगी, रहने दो ऊपर वाले पार्ट को, इसको इसकी जगह ये लाइन ज्यादा अच्छी है, इसकी जगह ये ही लाइन ज्यादा अच्छी है। इक्वेशन x इज इक्वल टू टू वाई पासिस थ्रू द ओरिजन 0, 0 वेयर x y एंड y एक्सिस मीट, क्लियर। तो ये हमारा खत्म हो गया सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब हम चलेंगे बच्चों लास्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना बच्चों, ये तो 3 नंबर, अगर ये आया डेफिनेटली तुम लोगों को 4 नंबर का आएगा पेपर में, इससे कम नहीं आ सकता। इसमें बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं। पहले तो 2 इक्वेशंस दी गई हैं, यू हैव 2 इक्वेशंस, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज 2 इक्वेशंस ऑन द सेम ग्राफ, दोनों इक्वेशंस के जो ग्राफ है सेम ग्राफ के ऊपर बनानी है। तो इस क्वेश्चन को मैं अलग रख लेता हूँ, इस पर नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को हम यहां करेंगे सॉल्व, ठीक है। यहां पे हम इसका ग्राफ चिपका लेंगे, चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 3। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, फटाफट इसके पॉइंट बनाते हैं। केस 1, एक्स इज इक्वल टू 0, सो 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 4। केस 2, एक्स इज वाई इक्वल्स टू 0, सो एक्स प्लस 0 इक्वल्स टू 4, एक्स इज इक्वल टू 4। केस 3, एक्स इज इक्वल टू 2, सो एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 4, वाई इक्वल्स टू 2, सो द पॉइंट इज 0, 4, 4, 0, 2, 2। ये फर्स्ट इक्वेशन की ग्राफ टेबुलर फॉर्म, सेकंड इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इसके ग्राफ केसेस बनाएंगे। केस 1, सपोज एक्स वैल्यू इक्वल्स टू 0, सो 2 × 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, माइनस वाई इक्वल्स टू 2, सो वाई इक्वल्स टू माइनस 2। केस सेकंड, एक्स वैल्यू इक्वल्स टू 1, सो 2 × 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, सो 2 − y = 2, 2 से 2 कट गया, वाई इक्वल्स टू माइनस वाई 2 − 2, माइनस वाई इक्वल्स टू 0, सो वाई इक्वल्स टू 0। केस 3, एक्स वैल्यू इक्वल्स टू 2, 2 × 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, माइनस वाई इक्वल्स टू −2, सो वाई इक्वल्स टू 2। पॉइंट आ गया हमारे पास 0, −2, 1, 0 एंड 2, 2। ये पॉइंट्स बन गए बच्चों। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे, इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे।
ठीक है, पॉइंट्स विजिबल होंगे तुम सबको, ठीक है, इजी। इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं एक एक करके। ग्राफ मैंने पहले बना रखा है, सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रखी है मैंने, तो इन्हीं पॉइंट्स को हम ड्रॉ करेंगे। क्लियर विजिबल, फर्स्ट पॉइंट 0.4, एक्स एक्सिस 0, वाई की वैल्यू 4, सो फर्स्ट पॉइंट इज हियर। सेकंड पॉइंट 4.0, 4.0 इज हियर। थर्ड पॉइंट 2.2 पॉइंट इज हियर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट, दिस इज द लाइन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन, सो जॉइन इट प्रॉपरली। लाइन ध्यान से लगाना बच्चों और सही लगाना, वरना इंटरसेक्शन पॉइंट गलत आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बहुत सी चीजें पूछेंगे। अब सेकंड टेबल की लाइन इस पर लिख लो, ये लाइन ऑफ इक्वेशन किसके लिए, ये लाइन ऑफ इक्वेशन है हमारे पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, सेकंड 0.-2, ये रहा पॉइंट। आगे 1.0, ये रहा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट 2.2, ये रहा, सेम पॉइंट है ये दोनों का। तो ये बन गया हमारा ग्राफ। अब देख पहला क्वेश्चन उसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन देखा जाए। यहां तक हमारा हो गया क्वेश्चन खत्म, ग्राफ। अब यहां तक क्वेश्चन हो गया, देखो क्या कह रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द टू एक्सिस, टू लाइंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना टू लाइंस का क्या है, दोनों लाइंस कहां पे कट करी हैं, 2.2 पॉइंट पे। अब देखो यहां पे देखने की जरूरत नहीं, ये मुझे टेबल में भी दिख रहा था, 2.2 पॉइंट फर्स्ट टेबल में भी है, 2.2 पॉइंट सेकंड टेबल में भी। दोनों में जो सेम पॉइंट होगा वही क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वही क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो 2.2 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे, राइट द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइंस एंड वाई एक्सिस। ध्यान से सुन लो क्या कह रहे हैं, वो ट्रायंगल बतानी है जो इन दोनों लाइंस, जो दो लाइंस हमें गिवन थी, इन दोनों लाइंस से और वाई एक्सिस से बनी है। अब वाई एक्सिस कौन सी है ये, अब देखो ट्रायंगल कौन कौन सी बन रही है, मैं शेड करके बता रहा हूं हल्का सा। अगर वाई एक्सिस देखें, शिफ्ट कर रहा हूं इधर को, ये वाई एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के ऊपर कौन सी ट्रायंगल बन रही है ये वाली, देखो चाहे वो नेगेटिव में जा रही है चाहे पॉजिटिव में जा रही है, ज्यादा शेड नहीं किया है, मेरा ग्राफ खराब हो जाएगा। ये होगी शेड वाई एक्सिस की, क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर है। अब सेकंड में उसने पूछा है ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड बाय द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से, तो इसे शेड कर देता हूं मैं ग्रीन से। क्लियर, ठीक है। लाइन ऑफ इक्वेशंस जो बन रही है उन्हें हम डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि इजीली विजिबल हो जाए। अब देखो ध्यान से, उसने पूछा था दो लाइंस और वाई एक्सिस के बीच में कौन सा ट्रायंगल बन रही है। वाई एक्सिस को ध्यान से देखो, वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर कौन सी ट्रायंगल बन रही है, ये वाली ट्रायंगल बन रही है, बाकी छुपा लो, देखो ये वाली ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। तो ये होगी वाई एक्सिस की ट्रायंगल, नेगेटिव साइड भी लेनी है हमने, ट्रायंगल देखनी है। एक्स एक्सिस के ऊपर अगर मैं इधर से छुपा दूं, ये एक्स एक्सिस है, तो ट्रायंगल कौन सी बन रही है, देखो ग्रीन वाली बन रही है ध्यान से, ठीक है। तो इसी के आंसर लिखने हैं हमें, आंसर कैसे लिखने हैं, पहला क्या क्वेश्चन था उसका, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट कहां पे, 2.2 पॉइंट बी पॉइंट में क्या पूछा, राइट द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस एंड द वाई एक्सिस, कौन सी बन रही है। एक तो ये पॉइंट क्या आ गया, वाई एक्सिस पे है 0.4, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया, वाई एक्सिस का देखना है,
y एक्सिस वाली ट्रायंगल, ये आएगा 0, -2 और 2, 2। तो पॉइंट्स क्या है, ट्रायंगल फॉर्म बाय लाइंस एंड y एक्सिस इज 0, 4, 2, 2 एंड 0, -2। ट्रायंगल को नाम दे लो, यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट, इस पॉइंट को बी दे लिया, इस पॉइंट को सी पॉइंट। सो वाई एक्सिस इज ट्रायंगल ए बी सी। वैसे ही अब एक्स एक्सिस की भी लिखनी है, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द एक्स एक्सिस। शेड भी कहा था और शेड मैंने रेड और ग्रीन पेन से कर दिया, ठीक है। अब ट्रायंगल ये भी बन रही है एक्स एक्सिस के ऊपर बी, इसे पॉइंट दे लो डी, इसे दे लो पॉइंट ई। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 4, 0। ये पॉइंट कौन सा है, ये कौन पॉइंट है 1, 0। सो ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस इज ट्रायंगल बी डी ई। तो पॉइंट कौन से हो गए, पहला आ गया 2, 2। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हो गया 1, 0। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हो गया 4, 0। कुछ नहीं किया, जो ट्रायंगल्स बन रही थी मैंने उनको नाम दे लिए, उनके वर्टिसेस को नाम दे लिए और यहाँ पे वो वर्टिसेस लिख दिए। अब ध्यान रखना, जो ट्रायंगल एक्स एक्सिस के ऊपर बन रही है वो एक्स एक्सिस की होगी, जो वाई के ऊपर बन रही है वाई के ऊपर, दोनों को मिक्स मत कर देना, क्लियर। तो इस तरह से तुम लोगों के एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा होगा अगर कॉपी में उतार लोगे, ओके, बेनिफिट रहेगा एग्जाम के थ्रू। सो थैंक यू।